ये जो मोटिवेशनल वीडियोस देख देख करके आप बूस्ट होते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। असल में जिस व्यक्ति को रोजगार की समस्या हो, देखिए बहुत बड़ा कटु सत्य बताता हूं मैं आपको, कटु सत्य ये है, जिसके पास में भोजन का संकट हो, जिसको गाड़ी का संकट हो, जिसके पास घर अपना ना हो, उसको मोटिवेशन लेने के लिए मोटिवेशनल गुरुओं की जरूरत नहीं है। आज के युवा के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, वो मोटिवेशनल वीडियो देख देख करके एकदम सोचता है कि आज को मैं रॉकेट साइंस हो जाऊंगा। अरे भाई, तेरे को मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत क्यों है? ना तेरे पास अपना घर है, ना तेरे पास अपनी गाड़ी है, ना तेरे पास रोजगार है, ना समाज में इज्जत है, फिर भी चाहता है कि YouTube पर कोई आएगा बढ़िया से आकर मोटिवेट करेगा और मैं मोटिवेट होकर आज ही पढ़ने बैठ जाऊंगा। ना, गलत है ये, मोटिवेशन की धारणा ही गलत है। मोटिवेशन पता है किन लोगों को चाहिए? कि भाई सचिन ने जो है ना शतक बनाना था लेकिन 90 पर आउट हो गया, सचिन यू कैन डू इट, तुमने किया था, उनको तो समझ में आता है। हम जैसे लोगों को जन्म का हर दिन संकट में गुजर रहा है, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उन्हें मोटिवेशन असल में अपनी रियल स्थिति देखकर ही मिलना चाहिए, और उसको देखने के लिए आज का युवा क्या करता है, कहीं पढ़ने गया है तो वह अपने कमरे को ही अपनी दुनिया समझता है और अपनी वास्तविकता से मुंह छुपाता फिरता है। वास्तविकता जो उसके घर परिवार की, रिश्तेदारों की है, उससे वो मुंह छुपाता हुआ फिरता है। अरे क्यों छुपाना मुंह भाई, वो रियलिटी है, जाओ सामना करो उनका। असल मोटिवेशन जहां है आप वो नहीं ले रहे हो, आप मोटिवेशनल गुरुओं को सुनकर मोटिवेट हो रहे हो। यस यू कैन डू इट, तुम आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, क्या आग लगा दोगे भाई, जो है वो सामने है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। इस कारण से मोटिवेशनल गुरुओं की तो दुकान चल गई, आप वहीं की वहीं अटक गए। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई वर्सेस भावनात्मक जो आसमानी ख्याल है ना, उनमें उलझ कर रहना था। बचिए इससे, असल मोटिवेशन आपके चारों तरफ है। इंडियंस को मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तो स्थिति स्वतः ही मोटिवेशन की है। उस आदमी को क्या मोटिवेशन दे जिसको पता है कि कल अगर तू पढ़ाई नहीं किया या काम करने नहीं गया तो परसों खाएगा क्या? उसको मोटिवेशन देना कि बेटा नहीं नहीं देख, तू पढ़, तेरे को नौकरी लगना जरूरी है, परसों तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। अरे भूखा पेट उससे काम करवाएगा? समझ रहे हैं कुछ आप? इसको थोड़ा सा समझें, और जब समझ जाएं तो उस आधार पर पढ़ना लिखना शुरू करें और रिश्तेदारों से खूब मिलें। हाँ, अब आपने फिर कहा ये लाइन आपने क्यों बताई? ये मैंने उन लोगों के लिए बताई जो कि हर चीज में, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, मेरे जैसा कोई आदमी है या कहीं भी है, जिसको पूरे टाइम ये चिंता सता रही है, यार मैंने ऐसा कर दिया तो वो क्या